गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंसियारी, और ये है सुबह 6 बजे मुंसियारी से पंचाचुली का नजारा। ये आपको दिख रही है सामने जो पीक्स, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लग रहा है इनको हाथों से पकड़ सकते हैं, इतनी पास लग रही है यहाँ से। और जो नीचे आपको दिख रहा है ना जितना भी, ये सारा है मुंसियारी शहर जो उसकी मेन मार्केट है। वहाँ सामने है ना इस टाइम सनराइज हो रहा है, पीछे से है ना सूरज की रेज रिफ्लेक्ट कर रही है ऐसे पहाड़ी के पीछे से। तो ये है हमारा होटल, होटल बाला पैराडाइज एंड रेस्टोरेंट। कल मैं आपको दिखा नहीं पाया था, वहाँ कार पार्किंग है, ये रोड है एंड नीचे मार्केट है, यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर दूर है। एंड ये होटल है, ये इनका रिसेप्शन है एंड ये इनका डाइनिंग एरिया है। ये तो मैंने कल रात को आपको दिखा ही दिया था। जो इस होटल से व्यू है ना अमेजिंग है, रूम में लेटे लेटे आप सुबह सुबह सनराइज एंड पंचाचुली के दोनों के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मुंसियारी से खलिया टॉप, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है, 8.2 किलोमीटर दूर है हमारे होटल से। अब ये मुंसियारी थल रोड है, यहाँ से थल लिखा है 72, कर्णप्रयाग 225, तो 19 मिनट हमें दिखा रहा है गूगल मैप्स पहुँचने के। सुबह सुबह ITBP के जवान, तो मात्र 15 मिनट में हम मुंसियारी से करीब 7.5-8 किलोमीटर दूर पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम है बलांती बैंड और ये खलिया द्वार है, यहाँ से होगी ट्रैक शुरू। एंड ये काफ़ी बड़ी पार्किंग तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन ये 5-7 कारें यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। अभी हम ट्रैक शुरू करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इग्लू रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो उस पे जाके पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे फिर अपनी ट्रैक करेंगे स्टार्ट। मुंसियारी की जो हाइट है ना वो है 2200 मीटर एंड जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ना इसकी 2650 मीटर करीब हाइट है। और ये जो जगह जिस पे मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी में पूरी एकदम से बढ़िया वाली स्नो होती है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा ना इस जगह की। तो ये आ गया इग्लू रेस्टोरेंट, तो ये है मुंसियारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर, तो यहाँ पर बनाए ये इग्लू रेस्टोरेंट। यहाँ हमने मंगाई है ब्रेड बटर एंड चाय, यही अवेलेबल था, इसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं था भी यहाँ पे। तो फटाफट हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके और अपनी फटाफट फिर करते हैं ट्रैक शुरू। तो ये खलिया द्वार और यहाँ से मिलती है खलिया टॉप पे जाने की टिकट, ये है टिकट काउंटर, 20 रुपये की टिकट है। अच्छा ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो यहाँ करने की और नहीं करने की है। हमारी पर्ची कट गई है, 2 बंदों की 20 रुपये पर पर्सन है एंड जो भी प्लास्टिक का आप सामान लेके जाएंगे उसको वापस लेकर आना होगा, ऊपर नहीं डालना। एंड यहाँ पे आपको गाइड बैठे मिल जाएंगे, ये भैया हैं। तो भैया क्या चार्जेस लेते हैं आप ऊपर करा के लाने के, टॉप के और नीचे वापस? सर 1000। 1000 चाहे एक आदमी हो चाहे 5 आदमी हो, रेट सेम है? सेम। और 10 का ग्रुप हो तो भी? हाँ। अच्छा अच्छा, ग्रुप से मैटर नहीं करता, आपका चार्ज 1000 रुपये फिक्स है। ये नाम क्या भैया आपका? लकी पंचवाल। लकी पंचवाल, यहीं बैठे मिलते हैं आप? हाँ। ओके थैंक यू भैया। तो ये ट्रैक हमारी शुरू हो गई है खड़ंचे वाली, ये जो पत्थर के निकले होते हैं ऐसे लगाते हैं, उनको खड़ंचा कहते हैं। स्टार्टिंग से एकदम से ही खड़ी जाती है ट्रैक। हमने जो ट्रैक शुरू करी है 7:45 और करीब 2600 मीटर की ऊंचाई से हमने ट्रैक करना शुरू करा है, जो यहाँ की ऊंचाई है खलिया द्वार की। एंड यहाँ से भी ये पंचाचुली दिख रही है, ये भी 5 पीक। करीब 100-200 मीटर चढ़ने के बाद हमें छोटा सा पानी का स्रोत मिला है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था कि आप कभी भी ऐसे ट्रैक करें ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक तो सफिशेंट पानी आपके पास होना चाहिए एंड सेकेंड चीज़ चॉकलेट, वो भी स्नीकर्स टाइप या ड्राई फ्रूट, खजूर, इस टाइप की एनर्जी वाली चीज़ें लेंगे ना तो ट्रैक करने में ना आसानी रहती है ट्रैक। लेकिन ये ज़्यादातर ऐसा है ना खड़ा ही है। हम 700 मीटर के करीब आ चुके हैं और एक छोटा सा बुग्याल टाइप आया है, अमेजिंग नज़ारा है। और ट्रैक ये वैसे वेल डिफाइंड ट्रैक है, पूरी बनी हुई है, तो वैसे बिना गाइड के आप आराम से आ सकते हैं। गाइड लेकर आने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रास्ता भटकोगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक पाथ है जो साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा फॉरेस्ट थेरेपी, जो जैपनीज वर्ड शिनिन योकू ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश वर्ड फॉरेस्ट बेथिंग। तो जब हम ऐसे फॉरेस्ट में ट्रैक करते हैं ना तो हमारा माइंड और बॉडी रिजुविनेट होती है। हम 1 किलोमीटर करीब आ गए हैं और हमें लगा है 20 मिनट यहाँ तक पहुँचने में। तो ये स्नीकर्स, जैसे मैंने बताया था आपको, स्नीकर्स ट्रैक पे ज़रूर लेके जानी चाहिए क्योंकि इसमें एनर्जी होती है सही। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक भी रैपर ऐसी जगह पे ना फेंके, इनफैक्ट कोई छोटा मोटा रैपर दिखे तो उसको उठा के अपने साथ ले दें। पहाड़ों को स्वच्छ साफ रखें। करीब 50 मिनट में हम 2 किलोमीटर आ गए हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है खलिया टॉप 4 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर और है,
क्योंकि हम लगभग 2.5 किलोमीटर करीब आ चुके हैं, तो 5.5 या 6 किलोमीटर है टोटल नीचे से खलिया टॉप। लगभग 2.5 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं नीचे खलिया गेट से, और ऐसा फील हो रहा है कि हम पंचाचोली रेंज के ना एकदम पैरेलल खड़े हैं। तो टॉप से तो ऐसा फील होगा कि हम पंचाचोली के बराबर हैं। करेक्ट 2.5 किलोमीटर चलने के बाद, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा चले हैं, तो यहाँ से अब हमें KMVN नज़र आ गया है। जो आपको फ्लैग वगैरह दिख रहे हैं ना ऊपर, वो है KMVN। कमाल की बात है, बीच में कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, अब एयरटेल के 4G+ सिग्नल आ रहे हैं इस जगह पे। माइट भी ये खुला मैदान टाइप आ गया है ना, तो अब खुल गया एकदम से। इससे पहले जितना भी ट्रैक था वो सारा जंगल में था 2.5 किलोमीटर का, अब जो है अब मेरे ख्याल से सारा अब खुला ट्रैक होगा। चरवाहे अपनी गाय को चरवा के भी ले आए। भैया कहाँ ऊपर तक हो गए थे आप? ऊपर से आए बिल्कुल खलिया टॉप, ये ऊपर तक चली गई थी। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं KMVN एल्पाइन रिजॉर्ट। ऑल्टीट्यूड 3220 मीटर। ये इनकी आई थिंक किचन है, एंड यहाँ पे रूम्स है, एंड टेंटेड एकोमोडेशन भी है यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के एंड कुछ खाएंगे पियेंगे, किरण यहीं रेस्ट करेगी और मैं निकलूँगा आगे ऊपर खलिया टॉप के लिए। तो ये इनका सिटिंग एरिया है। तो यहाँ से मुनस्यारी शहर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। वो जो आपको दिख रहा है ना नीचे मुनस्यारी, वो है 2200 मीटर पे, और इस टाइम हम खड़े हैं 3200 मीटर की हाइट पे। तो लगा लो 1000 मीटर अप आ चुके हैं हम, और 2600 मीटर में शुरू करा, तो 3 किलोमीटर से भी कम में, थोड़ा सा कम में, और हमने 600 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन करा। तो आप लगा लीजिए कितनी खड़ी चढ़ाई है ये। एंड यहाँ से पंचाचोली का और भी ज़्यादा अच्छा व्यू है। एंड जो ये पंचाचोली रेंज है ना, इनकी हाइट 6300 मीटर से शुरू होके, और जो हाईएस्ट है वो 6900 मीटर तक जाती है। और ये जो पंचाचोली है, इसको पंचाचोली इसलिए कहते हैं कि पांडवों ने ना इन सारी पीक्स के ऊपर है ना चूल्हे लगाए थे, तो चूल्हे को चुली कहते हैं देसी भाषा में, तो इसलिए पांचा पांच और चुली, तो इसलिए इसका नाम है। ये पौराणिक बात है, दंत कथा है। और इस पे आज तक जो एक्सपेडिशन, जो सबसे पहली एक्सपेडिशन हुई थी, ITBP ने करी थी 1973 में, जिसकी अगुवाई करी थी महेंद्र सिंह जी ने। तो ये हमने यहाँ पे मंगाई है ब्रेड ऑमलेट, बन के आ गई है। बैकग्राउंड में ऐसे नज़ारे हो, और ऐसे में बैठ के चाय की चुस्की एंड कुछ भी खाने को मिल जाए अच्छा ही लगेगा। अच्छी ब्रेड ऑमलेट बनाई है, मतलब पहली बाइट लेते ही मज़ा आ गया, एंड चाय मस्त, उम्मीद से काफ़ी अच्छी। KMVN से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैक आगे का, ये भी आगे पूरा खड़ा ही ट्रैक बता रहे हैं इसे। 9:50 के करीब हुआ है टाइम, और 3 किलोमीटर करीब KMVN है। ये सारा दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे टेंट से। तो हम KMVN से करीब करीब 300-400 मीटर ऊपर आ गए होंगे। बोरा KMVN लगातार खड़ी ट्रैक है, ये देखो कैसी है। तो ये ट्रैक तो चैलेंजिंग है, लेकिन ये कि छोटी है, टोटल 5-6 किलोमीटर की है, तो इसलिए हो जाएगी आराम से। तो कुमाऊं मंडल से करीब आधे घंटे की ट्रैक करके मैं करीब 750 मीटर और चलने के बाद पहुंच गया हूं खलिया बुग्याल। और यहां की जो हाइट है ना वो है करेक्ट 3400 मीटर। अब एक्चुअल में क्या होता है, 3000 मीटर प्लस हाइट होने के बाद है ना ट्री लाइन खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, उसके बाद होते हैं ऐसे बुग्याल। और ये पंचाचोली का जो बेस कैंप है ना, वो उसके पीछे है डुगटू करके एक विलेज है, दारमा वैली उसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है वो भी। तो वो जस्ट इसके ऑपोजिट साइड है, तो उसका बेस कैंप है, उधर से ही ट्रैक करते हैं इसकी, पंचाचोली की ट्रैक करनी होती है। तो एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, त्रिशूल वगैरह लगे हुए यहाँ पे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और ये एकदम समझ लो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हम उसके लेवल पे हैं। तो वही आई थिंक जो खलिया टॉप है जो दिख रहा हो दूर, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म ने एक लगाया हुआ है, डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल दिस और दिस नंबर, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन। तो ये सारा एरिया पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। बुग्याल पे आने के बाद है ना लगभग ये रास्ता स्ट्रेट हो गया है, पार्क से आपको दिख रहा है ना, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा अंदाजे से। तो ये दोबारा एक बोर्ड हो गया है, आ गया है डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो कुछ रीजन ही होगा जो उसके आगे जाने की मना कर रहे हैं। 0 पॉइंट तो वो या वो, इन दोनों में से कोई सा है, इस बुग्याल से ऐसे ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा। मैं उसको अवॉइड ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है वार्निंग, तो किसी रीज़न से होता, गाइड होता मेरे साथ तो फिर भी अलग बात थी। और ये मुझे अब दूसरी तरफ की रेंजेस नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ये देखो वो उधर पीछे भी नज़र आ रही हैं, इधर भी हैं, एंड इधर भी बर्फ़ की रेंजेज हैं, इधर से नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा गुंटी, मृगतोनी और त्रिशूल सब नज़र आता है।
स्पेशली मेरे ख्याल से ऊपर से उस तरफ के बिल्कुल गढ़वाल रेंजेस पूरी, वहाँ से 360 डिग्री व्यू आता है ऊपर से। 50 मिनट से ज़्यादा, 55 मिनट में नीचे केएमवीन से चल के मैं जहाँ तक आ सकता था हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। बस यहाँ से जो पीक है ना वो करीब करीब आधा किलोमीटर और होगी। ये पीक है, पता नहीं वो पीक है, खलिया टॉप है जो, जिसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, इनमें से कोई सा पाएगा। यो बीच में एक रिज टाइप लग रहा है ना आपको, वो भी हो सकता है। ये बुग्याल ही है ना अपने आप में, बहुत ही सुंदर बुग्याल है, वर्थ ट्रैक है टोटली। ये यहाँ तक मेरे ख्याल से 4.5 या 5 किलोमीटर के करीब की ट्रैक होगी, यहाँ तक 4.5, और एक आप ऊपर लगा लो अगर टॉप तक होगा तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा 6 किलोमीटर की ट्रैक होगी। एंड मैंने इसको जो करा है बहुत रुकते रुकाते करा था, तो हमने 3 घंटे में यहाँ पे टॉप पे पहुँच गए कि आप 2.5 से 3 घंटे में इस ट्रैक को कर सकते हैं यहाँ पे, और जो बहुत स्लो चलेगा वो 4 घंटे में भी पहुँच जाएगा, बहुत रुकते रुकाते इजीली। रेंजेस अब छुप गई हैं, लेकिन ये जो स्पॉट है ना, इस स्पॉट से है ना सामने जो पंचाचुली है वो बिल्कुल लेवल पे, आप समझ लो उसकी पीक्स नहीं, उसकी नीचे की बर्फ। तो मैंने अभी ऑल्टीमीटर में चेक करा है, तो जो इस जगह की हाइट है ना वो 3500 मीटर है, तो वही 3600 मीटर की हाइट होगी जो ये टॉप की है। तो ये देख लिया हमने खलिया टॉप बुग्याल, 0 पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ से। तो ऊपर पहुँचने में मुझे लगे थे लगभग 50 मिनट और नीचे उतरने में लगे मात्र 20 मिनट। जो टेंट्स हैं उनके पास पहुँच गया हूँ, ये रहा केएमवीएन। तो ये आशीष भैया यहाँ के मैनेजर हैं, ये केएमवीएन एक्चुअल में अल्पाइन रिजॉर्ट वालों ने ना लीज पे लिया हुआ है, तो हमको रूम दिखा रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी का है। ये और ये हमारे पास डोरमेट्री है। अच्छा ये डोरमेट्री है, ये डोरमेट्री है, ये पर पर्सन 500 चार्ज, 500 परसेंट, इसमें खाना नहीं है, खाना अलग से है, जो भी होगा उसका चार्ज होगा। ये सारे डबल बेड रूम आगे तक। अच्छा ये डबल बेड है, ओके सही है, ठीक है, बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है, बाथरूम भी एंड रूम भी बढ़िया है। ये 1160 रुपये, वो 500 रुपये विद GST, मतलब ठीक है ठीक है, बढ़िया। ये इस कैटेगरी के रूम साथ, तो अगर किसी को बुक करना हो तो कैसे बुक करें? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है सर, आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। अच्छा। और वेबसाइट भी हमारी कॉस्मोस ट्रैक के नाम से, कॉस्मोस ट्रैक के नाम से आपकी वेबसाइट है, एंड जो नंबर है फोन नंबर आप मुझे बता दीजिएगा, 7500727271। ठीक है ये बता भी दिया भैया ने, वैसे मैं इनसे ले लूंगा नंबर, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे, या स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, ताकि किसी को बुकिंग करना हो कॉल से बुकिंग कर देते ना। ओके, एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है, रूम्स मिनिमम ही है तो जल्दी फुल हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, ओके भैया थैंक यू, वेलकम सर। तो इधर जो यहाँ पे टेंट है ना ये है ऐसे, तो इसमें डबल ऑक्यूपेंसी है, इसके अंदर अगर आप रुकना चाहते हैं ना तो टेंट के हैं 1500 रुपीज पर पर्सन के चार्जेस, जिसमें रात का खाना डिनर एंड सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि अगर है ना आप खलिया टॉप की ट्रैक करना चाहते हैं, देखो मैंने तो हबड़ तबड़ में करी, मुझे आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने और भी चीज़ें कवर करनी है मुझे मुंशियारी में, तो टाइम शॉर्ट है, जगह ज़्यादा कवर करनी है, नहीं तो अगर आप तसल्ली बख्श करना चाहें ना तो आप दोपहर को चलें और शाम को यहाँ पे पहुँच जाओ केएमवीएन में, अल्पाइन रिजॉर्ट में, इधर रुको, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रैक करके सीधे पहुँच जाओ खलिया टॉप की बिल्कुल पीक पे, तो वो है आइडली बढ़िया। फिर ऊपर ट्रैक करके जाके आराम से नीचे आके ब्रेकफास्ट वगैरह करो, देन नीचे आप आराम से उतर जाओ, ये एक आइडली बहुत अच्छा तरीका है इस ट्रैक को करने का। तो हम नीचे पहुंच गए हैं और नीचे उतरने में हमें करीब करीब लगा होगा 1.25 घंटा। तो नीचे उतरना तो इजी था, केएमवीएन से बता रहा हूँ मैं, और टोटल टाइम जो मुझे लगा ना टॉप से और नीचे तक आने में, यहाँ कलिया द्वार से शुरुआत करके और वापस यहाँ पहुंचने में करीब करीब 5 घंटे और 20-25 मिनट लगे हैं, तो सही हमने जल्दी कर लिया एंड काफ़ी रिलैक्सिंग तरीके से करा था। तो यही था हमारा खलिया टॉप का वीडियो, अब हम करेंगे मुंशियारी को एक्सप्लोर। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं लाइकन पार्क, जो यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। अभी हम आए हैं लाइकन गार्डन में, जो इंडिया का एक लौता लाइकन पार्क है, और ये मुंशियारी से करीब मेन शहर से 5.5 किलोमीटर करीब दूर है, एंड ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 8 से लेके और शाम को 5 बजे तक। ये हमने 50 रुपीज़ की ले ली है टिकट, एंड यहाँ पे घुसते लिखा है लाइकन गार्डन। जो लाइकन है ना जो उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीशीज है ना टोटल 150 स्पीशीज है लाइकन की, ये एक्चुअल में एल्गे से बनता है, ये सारे जो है ना जो काई होती है एल्गे, यहाँ पे टोटल जो ये पार्क 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, और कोई फॉरेस्ट डिवीजन के संजीव चतुर्वेदी हैं, उन्होंने इस पार्क को बनाया था, डेवलप करा था,
तो यहाँ पर आपको 100 से 150 प्रजाति मिल जाएंगी लाइकन की। एंड ये खाने में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी है। एल्गी और फंगस का ही सिम्बायोटिक रिलेशन ओके तैयार होता है। अच्छा अच्छा, लाइकन इतनी पुरानी चीज है, जो जुरासिक एरा जब डायनासोर थे ना लाखों करोड़ों साल पहले, ये उस टाइम से है। और उसको पहाड़ी में मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, झूला कहते हैं ना यहाँ पे, पेड़ के टॉप पे, पेड़ के तने पे, पेड़ के टहनियों में अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही होता है वो। तो फिर जब ये लाइकन हो जाता है जैसे आप बता रहे हो, फिर उसको कैसे आप मतलब खाने में कैसे यूज लेते हैं लोग? ये जैसे आप लोग जंगलों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं तो इसको निकालते हैं। अच्छा। जिसका रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो बाहर होता है, यहाँ अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि यहाँ से बेचा जाता है उसको। और दवाइयों में भी यूज होता है ना? हाँ, ये दवाइयों में, मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक में भी यूज हो गया, ठीक है ठीक है, आपके मसाले में, ये नॉनवेज में सबसे ज्यादा डलता है ना। हाँ, हैदराबादी बिरयानी में मैंने सुना सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, इसी से टेस्ट बनता है उसका। सिर्फ इसको सिर्फ महक के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद सारा डिटेल अंदर। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है। अच्छा, इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है तो सही है। अगर किसी को अच्छी नॉलेज लेनी हो, एक डिफरेंट नॉलेज, तो यहाँ पे आके लाइकन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। अच्छा, जो लाइकन होता है ना वो सिर्फ लकड़ी के ऊपर नहीं होता, ये स्टोन के ऊपर भी होता है। देखो ये जो वाइट वाइट सा आपको दिख रहा है ना सारा, ये लाइकन है। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक लौता है लाइकन पार्क है, और कहीं पर भी नहीं है। डायनासोर भी दिखाया हुआ है, क्योंकि इसको कहते हैं ना कि डायनासोर एरा का है ये लाइकन जो है। तो यहाँ सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, आराम से बैठ कर रिलैक्स भी कर सकते हैं, फिर आराम से पूरा पार्क घूम सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं मुनस्यारी के बस स्टैंड पे, यहाँ से जितनी भी टैक्सीज है ना वो चलती हैं। अगर आपको टैक्सी वगैरह लेनी है तो ये वो जगह है, ये रहे बना हुआ है। एंड इसके पास में ही है अपना भोजनालय, तो ये है अपना भोजनालय, और देखते हैं फूड कैसा है इनका। ओके, अंदर से तो अच्छा है। तो ये आ गई हमारी थाली यहाँ पे, और आपको है ना मुनस्यारी में मतलब अच्छा फूड है ना, जितना मैंने रिसर्च करा बहुत रेयर ही मिलेगा। कैफेज़ वगैरह है लेकिन उसमें फिर चाइनीज़ मोमोज़ बर्गर और चाउमिन वगैरह मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक घर जैसा फूड अगर खाना है ना तो मेरे ख्याल से ये जगह है, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है ये है दाल मस्त आलू एंड पनीर। बहुत ही अच्छा खाना होता है, मतलब घर जैसा और लेकिन स्वादिष्ट, बहुत अच्छा खाना है, मज़ा आ गया। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप मुनस्यारी साइड आए ना तो ये अपना भोजनालय आपको अपने मन भली फील देगा। ये जो इनकी जो थाली थी, ये अगर विदाउट पनीर लोगे तो 100 रुपये की है, और विद पनीर लोगे तो 150 रुपये की है। तो पेट पूजा कर और हम जा रहे हैं ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। तो हैं अभी हम मुनस्यारी मार्केट में, छोटी सी ही मार्केट है क्योंकि काफ़ी छोटा शहर है मुनस्यारी। तो ये अभी हम मुनस्यारी की मार्केट के बीच में से जा रहे हैं होके, जैसे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है ना कि भाई बहुत हाईफाई आपको रेस्टोरेंट्स और बहुत हाईफाई होटल्स, वो उम्मीद ना करें। मतलब आपको होटल मिलेंगे काफ़ी, लेकिन वो बहुत हाई फाई रिजॉर्ट और इस टाइप के मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। एंड रेस्टोरेंट्स की भी बात करूँ तो सिंपल ही हैं, तो इसीलिए मैंने आपको वो दिखाया था जो अभी जिस पर हम गए थे कि भाई सिंपल और अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का काफ़ी। हम पहुँच गए हेरिटेज म्यूज़ियम में। एक्चुअल में म्यूज़ियम तक गाड़ी नहीं जाती, थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। यहाँ हमने रोड पर कार पार्क कर ली है, यहाँ पर शॉप है इसके साथ में, तो हमने कोई 50 मीटर की छोटी सी ट्रैक भी, क्या कहूँगा छोटी सी, 50 मीटर की थी, यहाँ से गाड़ी आके यहाँ पे पार्क भी हो सकती है। तो ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की जो एंट्री फ़ी वो 20 रुपये है, और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर शेर सिंह पंगते। तो देखो ये ट्रेडिशनल, ये भूटिया ड्रेस है। तो जो ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है ना, सन 2000 में बना था। इसके अंदर जो हिस्ट्री दिखाई गई है ना, वो दिखाई गई है भोटिया लोगों की। जो भोटिया लोग हैं ना, वो आप ये मान के चलिए 10,000 फीट से जो ऊँची जगह होती है ना, हाइट वाली जगह पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको भूटिया लोग कहते हैं। तो मुनस्यारी के आसपास में है ना कई ट्रैक्स हैं बड़ी ही सुंदर। एक मिलम ग्लेशियर की ट्रैक है, नंदा देवी का ईस्ट बेस कैंप का ट्रैक है, रलम ग्लेशियर का ट्रैक है। तो बड़े सुंदर सुंदर यहाँ से ट्रैक शुरू होते हैं, और ये सारे जिन मैं गाँव के नाम बता रहा हूँ, मिलम बुरफू और ये जो इस एरिया में सारे पड़ते हैं, तो यहाँ पे भूटिया लोग बहुत पाए जाते हैं। एक्चुअल में जो हाइट वाले हिमालयस की जगह है ना, वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे आपको भूटिया पाएंगे। एक टाइम पे मुनस्यारी में भी सिर्फ सारे भूटिया लोग ही रहते थे, अब तो मिक्स हो गए हैं। अंदर एक ऑडियो क्लिप चलती है, और वो
पॉइंट टू पॉइंट बताती रहती है कि भाई एक नंबर में ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा है, 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे। लेकिन अगर जिसको हिस्ट्री का शौक है उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। भोटिया जो लोग हैं उनके जो रहन सहन और उनका खान पान हर चीज़ के बारे में बड़े अच्छे डिटेल नॉलेज दी हुई है इसके अंदर। अ मस्ट विजिट प्लेस इन मुनस्यारी। तो एक ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम से अब हम जा रहे हैं दरकोट विलेज। भैया बता रहे थे ये बाउना विलेज फार्मर्स करके है, तो यहाँ पे है ना आपको ऑथेंटिक भोटिया डिशेज जो ऊपर बताई गई थी ना सारी, वो सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अभी तो चलते दरकोट, यहाँ से है 3.9 किलोमीटर दूर।